Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to cover the second poetry of your poetry section, which is on page number 92 of your book Flamingo. And the name of this poetry is An Elementary School Classroom in a Slum, which is composed by the poet Stephen Spender. So now let's come to this blue box about the poet. First of all, let's discuss about the concept. An elementary school classroom in a slum means what? एक छोटा सा विलेज एरिया या स्लम एरिया जिसको आप बोलते हो झुग्गी झोपड़ियाँ, ये स्मॉल एरियाज, वहाँ पर एक बेसिक स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल जिसका कोई और पोस्चर नहीं है, कोई और लेवल नहीं है हाई राइज इंक्रीमेंट का, वहाँ पर एक छोटा सा क्लासरूम, उसके बारे में पोइट्री है कि आसपास की सराउंडिंग्स कैसी रहती हैं. और इसके पोएट कौन है? स्टीफन स्पेंडर. सो नाउ लेट्स कम अबाउट द पोएट. स्टीफन स्पेंडर फ्रॉम 1909 टू 1995 वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेस्ट. तो स्टीफन स्पेंडर जो थे वो कौन थे? एक इंग्लिश पोएट जो सारी पोइट्रीज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते थे, नो अदर लैंग्वेज वाज कंपोज्ड बाय हिम. और वो एक एसेस्ट थे, वो बहुत अच्छे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लिखते थे. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. वो कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ टाइम तक गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ से वो बिना डिग्री लिए बर्लिन की तरफ शिफ्ट हो गए 1930s में. स्पेंडर टुक एन इन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. जो स्टीफन स्पेंडर थे उनका इंटरेस्ट किस में था? पॉलिटिक्स में. मीन्स सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटल रूल्स क्या हैं, कल्चर कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसा है, एवरीथिंग. और इसलिए उन्होंने खुद को एक सोशलिस्ट बताया जो सोसाइटी के बारे में सोचता है या सोसाइटी में रहने वाले एक ह्यूमन बींग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है. एंड ही वॉज अ पैसिफिस्ट. मीन्स उनको पॉलिटिकल लाइफ में इंक्लूडिंग द सोशल लाइफ कुछ अच्छा करना था. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern and an Autobiography, World Within World. तो ये सारी ऐसी फेमस बुक्स हैं और कुछ पोएम्स हैं जिनके बारे में स्पेंडर ने बताया है डिटेल में, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी अपने टाइम पीरियड में. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on the themes of social injustice एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. तो ये जो आपकी पोएट्री है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन स्लम, इस पर उन्होंने दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा डीपली फोकस किया. पहली चीज़ सोशल इनजस्टिस, एक ही सोसाइटी में रहकर कैसे रिच और पुअर पीपल डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, कैसे उनकी सराउंडिंग्स, उनकी बिलोंगिंग्स पूरी तरीके से एक दूसरे से रिवर्ट होती हैं, बदली हुई होती हैं. एंड सेकेंड थिंग इज़ क्लास इनइक्वालिटीज़. मीन्स किस तरीके से गरीब और अमीर लोग एक साथ नहीं रह पाते हैं और कब उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है लिविंग इन द सेम सोसाइटी, इन द सेम सिटी, स्टेट और अ कंट्री. सो नाउ लेट्स कम टू बिफोर यू रीड. हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? आपने शायद स्कूल तो नहीं देखा होगा किसी स्लम में, जो यहाँ का पहला क्वेश्चन है. बट बेसिकली जब आप ट्रेन से कहीं पर भी जाते हैं या ट्रेन ट्रैवल करते हैं, तो कुछ ऐसे एरियाज़ आते हैं जिनके बारे में आप ना जानते हैं, जो बिल्कुल एक डेजर्टेड बैरन लैंड रहता है, एक स्मॉल विलेज जो बिल्कुल अनजान हो और वहाँ पर कुछ बच्चे घूमते रहते हैं. व्हाट डज इट लुक लाइक? डेफिनेटली वो आपके लिए क्या लगता है? क्या आप ऐसे स्कूल में कभी भी पढ़ना चाहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग नहीं. बट तो भी जिन बच्चों को उस स्कूल में थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिलेगी और जो नॉलेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे टू बी लिटरेट, दे विल डेफिनेटली जॉइन दैट स्कूल. सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑन पेज नंबर 92. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. यहाँ पर पहले स्टेंजा में क्या दिया हुआ है? जो गस्टी वेव्स होती हैं, मींस धूल से भरी हुई हवाएं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कहीं पर काफ़ी दूर उड़ रही हैं. मींस तेज़ हवाएं चल रही हैं जो धूल से भरी हुई हैं.
और वो सारी धूल कहाँ जाती है? ऐसे चिल्ड्रन के फेसेस पर जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। वो चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रीज़ के साथ वीड्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं। मीन्स वो ग्रो ज़रूर होते हैं एक सेम कंट्री में या मदरलैंड में, बट उनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं रहती है। वो रूटलेस होते हैं, वो बेसलेस होते हैं। द हेयर टोन, उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, धूल से भरे हुए, कहीं से उनके क्लोथ्स, उनके हेयर सब कुछ कटे फटे रहते हैं विदाउट बीइंग सिस्टमेटिक। राउंड देयर पैलर, पैलर मीन्स पेल फेसेस, जिन पर धूल भी जमी हुई है और कहीं ना कहीं उनकी कोई केयर टेकिंग नहीं करता है, तो वो पूरी तरीके से पेल हैं, कलरलेस हैं, उनकी लाइफ का कोई बेस नहीं है। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीविंग बॉय विथ रैट्स आईज, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनाल डिसीज। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही स्लम एरिया के बच्चे दिए हैं कि उनका अपियरेंस कैसा है। एक टॉल गर्ल जो अपने वेट से काफ़ी ज़्यादा थिन है, पतली है, और उसका सर झुका हुआ है नीचे की तरफ, मीन्स माल न्यूट्रिशन, उसको प्रॉपर फूड या प्रॉपर ग्रोथ या अपब्रिंगिंग नहीं मिली, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा टॉल होने के साथ साथ उसकी बॉडी ऑलमोस्ट बेंड हो गई। एक ऐसा बॉय जो इतना ज़्यादा थिन है जैसे कि एक पेपर हो, और उसकी आईज रेट्स की तरह बाहर आ चुकी है, मीन्स एक चूहा, अ रेट, उसकी आईज ऐसे उसकी बॉडी से बाहर निकली हुई हैं, मीन्स उसको काफ़ी टाइम से खाना ना मिला हो और वो उसी के एक्सपेक्टेशन में हो। द स्टंटेड अनलकी हेयर, एक ऐसा बच्चा जो कि कहीं ना कहीं स्टंटेड है। स्टंटेड मीन्स अंडर डेवलप्ड है, पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं हुआ है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, और उसको एक और डिसीज़ है जो उसको अपने फादर से गिफ्ट में मिली है, और वो डिसीज़ क्या है उसकी? ट्विस्टेड बोन्स, उसके बोन्स खुद में ही ट्विस्ट हो जाते हैं, और इसीलिए उसकी बॉडी पूरी तरीके से बेंट है, झुकी हुई है, और उसकी हाइट स्मॉल रह गई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये सारे बच्चे ऐसे ही एक स्लम स्कूल में एक ही डेस्क पर बैठे हुए हैं, और जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो अपने अपने लेसन को अपनी तरीके से अपने माइंड में डाल रहे हैं। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. लेकिन वहाँ पर ऐसी dim class जहाँ पर light का बिल्कुल भी होना ना होना एक बराबर है, उस dim class में जहाँ पर सारे के सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई life से expectation ही नहीं है, सिर्फ वो अपनी life जी रहे हैं because they are born on this earth, उस class में एक ऐसा बच्चा है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वीट है और यंग लगता है, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी ड्रीम्स देखता है, जैसे कि एक स्क्विरल जो कि हर बार अपने लिए गेम्स ढूंढती है, एक ट्री से दूसरे ट्री पर, एक ट्री के अलग अलग ब्रांचेस पर जाती है, और हर बार अपने आप को बिज़ी रखती है। ऐसी कुछ बड़ी ड्रीम्स उस ऐसे बच्चे की हैं जो उसी स्लम एरिया में इन सारे बच्चों के साथ पढ़ता है, लेकिन उसकी ड्रीम्स या उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जस्ट लाइक अ स्क्विरल, एक गिलहरी। कम टू द सेकेंड स्टैंजा, ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, बेल्ट फ्लारी ट्रायलीस वेलीस, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब वहाँ पर जो वॉल्स हैं जो कि कभी क्रीम कलर की पेंटेड थी, वो पूरी तरीके से सार हो गए, मीन्स अनप्लेजेंट, हर जगह दाग धब्बे, उन वॉल्स का पूरा कलर डिसअपेयर हो गया। शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, वहाँ पर वॉल पर कुछ डोनेशंस हैं, डोनेशंस जो भी लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए उन्होंने दया के लिए उनको कुछ डोनेशन या चैरिटी दे दिया, जिसमें कहीं पर वॉल पर शेक्सपियर के अच्छी अच्छी बातें उनके फेस के साथ, पिक्चर या पोर्ट्रेयल के साथ लगी हुई हैं, जो कि डॉन टाइम में जब उनके यहाँ लाइट्स नहीं होती हैं, डिम एनवायरनमेंट होता है, वहाँ अर्ली मॉर्निंग में क्लाउडलेस रहती है, मींस बिना किसी बेस के वो रहती हैं। साथ ही साथ एक सिविलाइज्ड डोम राइडिंग सिटीज़ का पूरा मैप है, कहाँ पर कितनी सारी सिटीज़ हैं,
कितने सारे सिविलाइज्ड एरियाज हैं, वो सारे सिविलाइज्ड एरिया एक बड़े से मैप पर मार्क्ड हैं, बेल्ड एंड फ्लारी। बेल्ड मीन्स हैविंग बेल्स। आसपास कुछ अच्छी सी गोल्डन पॉलिश की हुई कुछ घंटियाँ, कुछ बेल्स रखी हुई हैं, और साथ ही साथ कुछ फ्लारी स्ट्रक्चर्स भी हैं जो उनकी वॉल पर लगे हुए हैं। देन ट्रायलीस वैली। व्हाट आर ट्रायलीस वैली? एक ऐसी वैली का पिक्चर है उनकी उस क्लासरूम में जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रायल के नाम से है। तो ऐसी वैली को जहाँ पर आसपास पीपल रहते हैं उनको ट्रायलीस बोला जाता है। तो एक इतना प्यारा इमेज लगा हुआ है एक वैली का, डीप माउंटेन एरिया का जिसके आसपास वाटर हो। ओपन हैंडेड मैप, और कुछ ऐसे ही मैप्स लगे हुए हैं अलग अलग एरियाज़ के जो कि स्कूल को एज डोनेशन मिले गए थे ताकि वो स्कूल अपने वॉल्स पर इन सबको हैंग कर सके। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो यहाँ पर वो एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड वर्ल्ड को, मीन्स स्लम एरिया के ऐसे बच्चों को उन्होंने इतनी सारी अच्छी चीज़ें दिखाई है जिनकी उस स्लम एरिया के आगे कोई दुनिया ही नहीं है। तो उनको दुनिया की इतनी सारी चीज़ें क्यों देना जब वो वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। और यहाँ पर इन बच्चों को जहाँ पर शायद उनके पास ओपन विंडोज़ भी नहीं है एक के अलावा, उसी विंडो से वो बाहर की उसी दुनिया को देखते हैं जो किसी मैप में शो नहीं होती है। तो इनके लिए इनका वर्ल्ड क्या है? बिल्कुल अंधेरा, द डस्क। और उनका जो फ्यूचर है वो ऐसा है जो कि बिल्कुल एक फॉग की तरह धुंधला है, जैसे ओस की बूंदें जम जाती हैं हर जगह और ओस के आगे आपको कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा ही इन चिल्ड्रन का फ्यूचर है, द ब्लीक फ्यूचर, द डार्क फ्यूचर, जो पूरा फॉग से या ओस से कवर्ड है, उसके आगे सब कुछ अंधेरे से भरा हुआ है। नो वन इज देयर टू शो देम देयर परफेक्ट फ्यूचर। कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 93 ऑफ योर बुक। अ नैरो स्ट्रीट स्केल्ड इन विथ अ लेट स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। एक ऐसी छोटी सी गली जहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा स्लम स्कूल है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्काई के अंदर ही है। ना उनका आसमान बड़ा हो सकता है, ना उनकी आगे आने वाली दुनिया। और उनकी दुनिया ऐसे है जहाँ पर ना ही उनके लिए कोई अच्छा रिवर है, ना ही कोई माउंटेन एरिया है, ना ही कहीं घूमने के लिए कोई जगह है, ना ही उनके पास शब्दों से भरी हुई किताबें हैं। दे आर नॉट हैविंग इवन द वर्ड्स, द स्टार्स ऑफ द वर्ड्स। मीन्स वो कुछ नया नहीं सीख सकते। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट शाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स From fog to endless night। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है शेक्सपियर बहुत ज़्यादा विकेड है। वो ऐसी क्लासरूम में उसका स्टैचू पड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर रह कर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो जितना ही फेमस क्यों ना हो। और जो मैप्स आसपास हैं वो बच्चों के लिए एक बैड एग्जांपल हैं, क्योंकि उन मैप में ऐसी सारी चीज़ें हैं जिन तक वो बच्चे कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे। फिर चाहे किसी मैप के शिप्स की बात करें, जब ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे ही नहीं, जब उनकी सारी लाइफ एक ही नैरो स्ट्रीट पर होगी जहाँ पर उनको छोटा सा एक स्काई दिखता है, तो वहाँ से कभी वो जब पूरा ब्राइट सन भी नहीं देख पाते तो वो शिप्स तक ट्रैवल क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उनको सिर्फ और सिर्फ लालच दे रही हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो वो जो लव टेम्पटिंग नेचर है उन सारी चीज़ों का, वो बच्चों को दुनिया से कुछ चुराने के लिए मजबूर करता है। वो चाहते हैं कि वो दुनिया में बाहर निकलें और चोरी कर कर ये सारे सामान अपने उस स्लम एरिया तक ले आएं, पर ऐसा उनके हाथ में नहीं है। फॉर लाइफ दैट शाई एंड दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स। उनके यहाँ तो ज़िंदगी भी ऐसी रहती है, उनकी लाइफ, जो धीरे धीरे उनके होल्स तक आती है। मीन्स जो रोशनी होती है वो कभी आती है, कभी नहीं आती है। और कौन कितना जी पाएगा वो किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि उनकी लाइफ्स भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। जिस तरीके से किसी के होल्स, किसी के क्लोथ में बहुत सारे होल्स होते हैं, ऐसे ही उनकी लाइफ रहती है, हर जगह से बिना उम्मीद के होपलेस।
फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। अगर कभी भी वहाँ से फॉग थोड़ा बहुत हटेगा तो वो जो फॉग का ग्रे कलर होता है उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डार्क ब्लैक कलर दिखेगा जो कि नाइट को डिस्क्राइब करता है। मींस उनकी लाइफ में एक छोटी सी भी सनलाइट या होप नहीं है कि वो आगे जाकर अपने लिए कुछ कर पाएंगे। ऑन द स्लैग हीप, नाउ व्हाट इज स्लैग हीप? दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स। अब उनकी जो बॉडी है जो कि ऐसा लगता है धूप में बहुत ज़्यादा काम करके काली पड़ गई है, स्लैग हो गई है ब्लैक कलर की, तो ये जो चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी स्किन के ऊपर अपनी बोन्स के ऊपर स्किन पहन कर बैठे हो। मीन्स वो इतने ज़्यादा थिन होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी बॉडी पर बोन्स ही बोन्स दिखेंगे और कुछ भी नहीं। उनकी जो स्किन होती है दैट इज़ वेरी ड्राई एंड डल। मीन्स वो सारा दिन धूप में अपने लिए मेहनत करते रहते हैं जस्ट टू लिव फॉर सम मोर डेज। और कभी अगर उनको स्पेक्टिकल्स पहनने हो तो उनके पास बिल्कुल भी फ्रेम्ड मॉडल नहीं होते हैं, स्टील के कुछ खुद से बनाए गए उनके स्पेक्टिकल्स होते हैं जिसमें वो ग्लास को मेंड कर पहनते हैं। मीन्स ग्लास को पिघला कर लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे कि पत्थर पर रखा हुआ किसी बॉटल को आपने एक शेप दिया हो, एक स्टैंड दिया हो जस्ट फॉर अ पार्ट टाइम। All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं उनका हर एक टाइम, हर एक मोमेंट कहाँ पर गुजरता है, उस स्लम में जिसमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और वो पूरा ओस से भरा हुआ है जिसमें कभी भी उम्मीद नहीं आ सकती। तो आप लोगों को अगर उनके स्कूल में स्लम एरिया में कुछ भी डोनेट करना है उनके क्लासरूम में तो आप कोई ऐसा ही मैप उनको दीजिए जिसमें इस तरीके का फॉग शो हो सके, ताकि उनको पता चले कि अगर वो कभी भी स्लम एरिया से बाहर नहीं निकले तो उनकी लाइफ में अंधेरा उनको पूरी तरीके से डुबा देगा। दैट विल डूम द स्टूडेंट्स। कम टू द लास्ट पैसेज, द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएट्री। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town and show the children the green fields and make their world run azure on gold scents and let their tongues run naked into books the white and green leaves open. History there whose language is the sun. अब यहाँ पर पोएट ने क्या बोला, जब तक कि सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग रिच पीपल हैं जो अपने साथ कुछ एक्शंस ले सकते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ऐसे सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स या पीपल, फिर चाहे वो गवर्नर हो, इंस्पेक्टर हो या विजिटर्स हो, वो सब अपने साथ सिर्फ ये खाली मैप्स ना ला पाएँ जो कि उनकी विंडोज़ पर लगे हैं, उनके वॉल्स पर लगे हैं, बट उनके लिए वो विंडोज़ ऐसी ला रहे हैं जो कि हमेशा के लिए बंद है। मीन्स वो उनको उम्मीद दे रहे हैं बट ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी बिना मनी के। तो वो सारे इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं पोएट कि अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं एज विज़िटर बनकर तो अपने साथ कुछ ऐसा न्यू ब्राइट फ्यूचर लाएं जो इन बच्चों को उन शट डाउन विंडोज़ को खोलने पर मजबूर कर दे, उन विंडोज से, उस गांव से बाहर निकलें, उस नैरो स्लम एरिया से बाहर निकलें और पूरे टाउन को, जो भी उनका स्लम एरिया है उसको ब्रेक कर एक ओपन एनवायरमेंट वाला टाउन बना दें। मीन्स उनकी नैरो स्ट्रीट वास्ट स्ट्रीट में कन्वर्ट हो जाए, उनके जो ड्रीम्स हैं वो कैटकम्स की तरह एक ही जगह रहकर पूरी तरीके से श्रिंक ना हो जाए, वो ओपन एनवायरनमेंट में बड़ी ड्रीम्स बनकर बाहर निकले। तो पोएट चाहते हैं कि सारे के सारे जो भी उनकी बाउंड्रीज हैं उनको तोड़ा जाए और वो अपने स्लम एरिया से निकल कर टाउन एरिया तक आए, वो सारे चिल्ड्रन भी ऐसी वर्ल्ड की सारी अच्छी चीज़ें देखें जो बाकी बच्चे देखते हैं और वो भी ग्रीन फील्ड्स को महसूस करें, वहाँ के क्रॉप्स को कंज्यूम करें, अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से पढ़ें और उनका जो वर्ल्ड है वो फॉग तक ना जाए बल्कि गोल्ड सैंड्स तक जाए। गोल्ड सैंड्स मींस ऐसे सॉयल एरियाज, ऐसे सैंडी एरियाज जहाँ पर आपको सनलाइट दिखे और वो सारे के सारे जो आपके क्रॉप्स हैं वो ग्रीन चमकें और आपका जो नीचे सॉयल एरिया है या धरती वो गोल्डन शाइन करे। तो ऐसे ओपन एरियाज में इन बच्चों को आना चाहिए और ऐसे स्कूल्स में पढ़ना चाहिए जहाँ पर उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले
और उनकी जो टंग्स हैं वो कुछ भी लेसन बोलने में, पढ़ने में या सीखने में बिल्कुल भी ना रुके, उनकी टंग बिल्कुल नेकेड हो जाए। नेकेड मीन्स अंदर शायनेस फील ना करें, उनमें कॉन्फिडेंस आए और वो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर अप करें। उनकी जो बुक्स हैं वो वाइट पेजेस वाली हों, धूल लगी हुई बहुत ज़्यादा रखी हुई बुक्स नहीं, जिनका कोई यूज़ ही ना हो, और हर जगह उनको ग्रीन ओपन एनवायरनमेंट दिखे विद द बुक्स इन देयर हैंड्स, और वो अपनी खुद की एक नई हिस्ट्री बनाएं जिसमें फॉग या डिम मूनलाइट का कोई काम ना हो और वहाँ पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो, दैट इज़ सनलाइट, मींस द लैंग्वेज विथ फुल कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर ये सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी स्लम में रह रहे हैं, अगर वो टाउन एरिया में आ गए तो उनका फ्यूचर होगा बहुत ज़्यादा ब्राइट, और उनके आगे आने वाली जनरेशन को ऑटोमेटिकली ऐसी हिस्ट्रीज मिलेंगे ऑफ द पास्ट जहाँ पर स्लम के बच्चों ने कुछ कर कर दिखाया, एंड नाउ इट्स देयर टर्न टू कवर अप द रेस्ट। यू कैन सी द ड्रॉन स्लम एरिया देयर वेयर एवरीथिंग इज हिडन इन द ब्लैक कवर्ड पार्ट, और वो स्टूडेंट्स वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद उनको ऐसा ओपन ग्राउंड फील्ड चाहिए जहाँ पर उनके लिए ट्रीज़ हैं, सन है और वो प्ले कर सकते हैं। उनको इतना ही बड़ा एरिया चाहिए अपने स्लम से बाहर निकलने के बाद। तो ये एक इमेज है जो आपको टू पार्ट्स दिखाती है, फर्स्ट इज़ द स्लम पार्ट एंड सेकेंड इज़ व्हेन द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट वन विंडो एंड दे आर हैविंग मल्टीपल विंडोज एंड डोर्स विथ ट्रीज ओपन विथ देम। सो देर आर टू ग्लॉसरी पार्ट्स, द ट्रायलीज वैली विच आई हैव टोल्ड यू दैट ट्रायल इज द अल्पाइन, या फिर वो वहाँ का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे ट्रायलीज पीपल रहते हैं, एंड सेकेंड इज कैटकम्स। सो नाउ क्लास विद दिस वी हैव एंडेड आवर पोइट्री सेक्शन पार्ट टू, दैट इज चैप्टर टू, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सो नाउ थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।